ये चाहती है मिसेस इंडिया डॉक्टर रिचा शंकर सुगंध अपने पति से छुटकारा। एक तरफ जहां भारत सरकार महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों को लेकर कानून पर कानून बनाने को लगी हुई है, उसी तरह दूसरी ओर की बात की जाए तो महिला सशक्तिकरण हो या फिर आम महिला की बात की जाए तो आज घरों में अत्याचार सामने नजर आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर की, जहाँ इसी दौरान 2018 में मुंबई में आयोजित मिस्टर एंड मिसेस फैशन शो की विनर रह चुकी डॉक्टर रिचा शंकर सुगंध शो में जाने के पहले से अपने घरेलू हिंसा के कारण काफी डिप्रेशन में आ गई थी, लेकिन किसी भी तरीके से उन्होंने हार नहीं मानी और 30 अप्रैल 2018 को पनाश कंपनी द्वारा मुंबई में आयोजित मिसेस इंडिया 2018 का खिताब डॉक्टर रिचा शंकर सुगंध ने अपने नाम किया। और अभी की बात की जाए तो हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि रिचा को फैमिली कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और इसीलिए अब हम कह रहे हैं कि रिचा अपने पति से छुटकारा पाना चाहती है। आइए सुनते हैं मिसेज इंडिया डॉक्टर रिचा शंकर सुगंध ने मीडिया से क्या कुछ कहा। मैडम, 2018 अभी जो रनिंग चल रहा है उस पर आप मिसेज इंडिया भी मुंबई से खिताब जीता है, और क्या कारण रहा जो फैमिली कोर्ट को आपको चक्कर काटना पड़ रहा है, क्या होते हैं? जी, कुछ पर्सनल इश्यूज हैं। मिसेस इंडिया के पहले ही कुछ ऐसा हुआ था मेरे साथ, कह सकते हैं आप घरेलू हिंसा का मामला था, तो उसी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए। हाँ, कि क्या वजह है जो छुटकारा पाने के लिए आप यहाँ पे दस्तक दे रहे हैं? सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है किसी भी महिला की गरिमा होती है और उस गरिमा को कायम ना रखते हुए, हाँ बस, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हाथ उठाना और ये सारी चीज़ें। कोई मांग वगैरह की जा रही है सामने पार्टी की तरफ से? जी, की जा रही थी, यही वजह थी जो मेरे उसूलों को ये चीज़ नहीं पटी, तो आज हम अलग होने जा रहे हैं। तो आज जैसे आप यहाँ पे आवेदन सबमिट करने आए हैं, क्या मांग है आपकी कोर्ट से? बस इतना ही चाहती हूँ, आज तो मैं ये केस यहीं पे हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं, बस इतना ही चाहती हूँ कि किसी और महिला के साथ ये इसके बाद कभी ना हो। आपका पूरा नाम? डॉक्टर रिचा सुगंध।